दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। अब विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक विधायकों को 54,000 रुपए मिलते थे और इसके अलावा मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के विधायकों का वाहन भत्ता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। टेलीफोन भत्ते को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। वहीं सचिवालय भत्ता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। दरअसल आप सरकार ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों के विधायक 1.5 से 2 गुना अधिक वेतन और भत्ते पा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाया जाए। केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्ते बाहरी राज्यों के बराबर होने चाहिए। आइए जानते हैं कि इस राज्य में विधायकों को कितना वेतन भत्ता मिलता है। भारत में विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना में मिलती है। यहाँ सभी भत्तों को मिलाकर एक विधायक को हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधायकों को 90,000 रुपए के निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते के साथ 55,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। उत्तराखंड में 1,98,000 रुपए, हरियाणा में 1,55,000 रुपए, बिहार में 1,03,000 रुपए और राजस्थान में 1,42,000 रुपए विधायकों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 12 साल बाद बढ़ोतरी हुई है। नया सैलरी स्ट्रक्चर 14 फरवरी 2023 से लागू होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।